क्या पढ़ने वाले हैं? चंद्रमा। क्या पढ़ने वाले हैं? चंद्रमा अर्थात मून। ठीक है, तो चंद्रमा जो है, सीधा सीधा आ रहे हैं, चंद्रमा जो है मून है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है हिंदी भाषा के हिसाब से। लेकिन कहते हैं जब बच्चा रहता है छोटा तो कहते हैं चंदा मामा, चंदा जैसा मामा कहते हैं ना, तो मामा मतलब पुल्लिंग हो गया। और जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? चांद सा मुखरा, नहीं चांद सी दुल्हन। दुल्हन कैसी होती है? तो स्त्रीलिंग हो जाती है, नहीं हो जाती है? तो ये सिर्फ कहावत है कि चांद सी दुल्हन और चंदा मामा, ये सब कुछ होता नहीं है। चंद्रमा जो है, मून जो है, वह पृथ्वी का जीवाश्म है। क्या है? कहा जाता है कि कालांतर में पृथ्वी जैसा एक और ग्रह था, पृथ्वी जैसा एक और जो पृथ्वी से टकराने के बाद टूटा और उसी से बना है चांद। इसलिए पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का। इसको रात की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रात की रानी। रात में दिखाई देता है, शीतल होता है, नहीं शीतल होता है, ठंडा ही ना देता है, शीतल देता है, रात में दिखाई देता है, इसलिए क्या कहते हैं? रात की रानी कहते हैं। वास्तव में चांद सी दुल्हन आप लोग में से कोई लाना नहीं चाहिएगा। किसी को चांद सा दुल्हन चाहिए लड़का में? नहीं चाहेगा। जानते हैं क्यों? यहाँ से ना चांद सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उस पर इतना उल्का पिंड गिरा है, इतना गड्ढा गुड्ढी है कि जैसे मुंह पर पिंपल्स निकल जाता है ना, चिकन पॉक्स हो जाता है तो दाना नहीं धस जाता है, वैसे है खराब होल, लेकिन दूर से दिखता है, इसलिए चांद सी दुल्हन कहा जाता है। कोई वैसा देख लेगा तो कोई कहेगा ना हमने शादी करेंगे, एकदम बेकार घटिया है। तो चांद सी दुल्हन कोई नहीं चाहता। कारण क्या है कि वायुमंडल, अभी बताया क्या कि चांद के पास चंद्रमा के पास अपना वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ही है जो हमारी पृथ्वी को उल्कापिंड से बचाता है। जैसे ही हमारे वायुमंडल में कोई भी उल्कापिंड आता है, उल्का आता है तो घर्षण पैदा करता है हमारा वायुमंडल, और उसको क्या करता है? जला देता है। जला देता है तो बहुत रास्ते में ख़त्म हो जाता है और थोड़ा बहुत पृथ्वी तक आता है, लेकिन चंद्रमा के पास कोई वायुमंडल नहीं है। धराम से उसी पर क्या होता है? गिर जाता है, जिससे क्या होता है? अनेक गड्ढा बना हुआ। क्या बना हुआ है? उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शुरू से देखते हैं, चंद्रमा के अध्ययन, मून के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब वहाँ की बातों को जानना, पढ़ना, लिखना, ये क्या कहलाता है? सेरेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? अब आप लोग को बताए थे अपभू और उपभू। अपभू और उपभू का स्थिति कब होगा? देखिए, ये है पृथ्वी, ये है, और इसी का चक्कर लगा रहा है, नहीं चक्कर लगा रहा है, किस कक्षा में? तो दीर्घ वृत्तीय कक्षा में। किस कक्षा में? थोड़ा और इसको ला देते हैं। किस कक्षा में? दीर्घ वृत्तीय। ये हमारी पृथ्वी है और ये चांद क्या हो रहा है? घूम रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है तो पृथ्वी का चक्कर लगा। तो जब यहाँ पर आएगा तो दूरी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और जब यह घूम कर यहाँ आ जाएगा तो दूरी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यह हो गया न्यूनतम दूरी, नहीं आइए हो गया अधिकतम दूरी। ये न्यून हो गया, ये अधिक हो गया। तो जब अधिक दूरी होगा तो क्या कहलाएगा? अपभू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपभू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अप मतलब अधिक, अभू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी से अधिक दूर, पृथ्वी से अधिक दूर। अब जब नजदीक आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? उपभू। उप मतलब कम और भू मतलब, भू मतलब पृथ्वी। पृथ्वी से जब नज़दीक आता है तो उसको क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। और दूर जाता है तो उपभू कहते हैं, नज़दीक रहेगा तो, और दूर रहेगा तो अप मतलब क्या होता है? अधिक। तो उसी से आपको याद रखना है, दूर जाएगा। कारण क्या होता है कि पृथ्वी जो है वह भी दीर्घवृत्ता का कक्षा में सूरज का चक्कर लगा रहा है। ऐसे देखा जाए तो चंद्रमा भी सूरज का चक्कर लगा रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष ढंग से। कैसे? अब पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते तो पृथ्वी तो खिसक रहा है,
अभी खिसक रहा है तो सूरज का चक्कर तो ये भी लगा लेता है, लेकिन क्या है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से, आप पृथ्वी क्या है प्रत्यक्ष रूप से सूरज का चक्कर लगा रहा है। तो ये जब पृथ्वी से दूर स्थिति में रहेगा, क्योंकि दीर्घ वृत्ताकार है, और जब ये दीर्घ वृत्ताकार होगा अंडाकार होगा सर्किल रहेगा वृत्त रहेगा तब ना केंद्र से दूरी बराबर रहेगा, ऐसी स्थिति नहीं है, सब किस में घूम रहा है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, जिस कारण से एक बार वह दूर जाता है तो एक बार नज़दीक होता है, एक बार दूर जाता है और एक बार नज़दीक आता है, जिस कारण जिस जब वह दूर चला जाता है तो अपभू कहलाता है, जब वह नज़दीक रहता है तो क्या कहलाता है उपभू। अपभू और उपभू समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना, क्रेटर भी बता दिए, उल्कापिंड जब चंद्रमा पर गिरता है तो उस पर क्या बने हुए हैं अनेक गड्ढा बने हुए हैं, अनेक गड्ढा गुड्डी बना हुआ आता खुत्ती जिसको हम लोग कहते हैं बना हुआ है, जिस कारण से क्या होता है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जैसे अभी लाइट चल रहा है ना तो हमारे चेहरे पर प्रकाश आ रहा है ना, हम मुँह खोलेंगे तो हमारा मुँह प्रकाश पूरा जा रहा अच्छा से, मुँह अगर हम खोले मुँह ये गड्ढा है नहीं है तो मुँह के अंदर उतना प्रकाश नहीं जा रहा है तो हल्का क्या दिख रहा है डार्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हल्का डार्क दिख रहा है ना, तो चांद पर भी जो क्रेटर बना हुआ है, जैसे हमारा चेहरा देखिए और आँख का ये एरिया को देखिए और इस एरिया गाल वाला एरिया को देखिए, कौन चमक रहा है गाल चमक रहा है, ये प्लेन है फोरहेड चमक रहा है, इस पर ज़्यादा रोशनी है ना, और यहाँ पर थोड़ा कम लग रहा है, यही गड्ढा अगर बहुत अधिक हो जाए 10-20 फीट हो जाए 50 फीट हो जाए 100 मीटर हो जाए तो क्या होगा, आप लोग गड्ढा खोदते हैं मिट्टी का तो थोड़ा देर के बाद क्या होता है अंदर अंधेरे में दिखाई देता है, रोशनी जा पाता है दिन में भी जा पाता है, तो वहाँ पर भी अनेक गड्ढा बना हुआ है, इसलिए गांव देहात में सुनते होंगे कि चांद में भी दाग होता है, दाग है तो बेवकूफ है पढ़ले लिखल नहीं है, चांद में कोई दाग नहीं है, चांद पर क्या है उस जगह पे प्रकाश नहीं जा पहुँच पा रहा जिससे वह क्या दिख रहा है काला दिख रहा है, क्या दिख रहा है काला दिख रहा है, उसको क्या कहते हैं क्रेटर कहते हैं, क्या कहते हैं क्रेटर कहते हैं, अपभू उपभू क्रेटर समझ में आ गया, इस पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिस कारण से सूरज की प्रकाश पड़ता है तो क्या हो जाता है दिन में बहुत गर्म हो जाता है, दिन में क्या हो जाता है बहुत गर्म हो जाता है 100 डिग्री पार कर जाता है, और जब रात होता है तो क्या हो जाता है -80 डिग्री में पहुंच जाता है, माने बहुत अधिक ठंडा पड़ जाता है। अब ये बात समझो, जैसे यह गोलाकार है अब इधर से प्रकाश आएगा तो यह गोल रहेगा तो पिछला भाग पर रोशनी आएगा नहीं ना आएगा, तो चंद्रमा पर प्रकाश 24 घंटा पड़ता है लेकिन जिस भाग पे पड़ता है चंद्रमा के पास अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, जो सूरज का प्रकाश पड़ता है उसी को परावर्तित करता है तो दिखाई देता है, अब पिछला भाग परावर्तित नहीं करता है तो नहीं दिखाई देगा क्योंकि प्रकाश नहीं पड़ रहा है, गोलाकार आकृति पर आप रोशनी जलाएंगे तो मैक्सिमम चंद्रमा का भाग जो है 59% को ही हम लोग देख पाते हैं, ये नहीं है कि अभी जहाँ रात होगा जिस देश में अभी रात होगा वहाँ चांद दिखाई दे रहा होगा, अगर पूर्णिमा होगा तो पूरा चांद दिखाई दे रहा होगा, एक दिन होगा तो थोड़ा, दो दिन होगा तो थोड़ा, 7 दिन होगा तो थोड़ा अधिक दिखाई देगा बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं है कि चांद अभी छुपा हुआ है, चांद अभी दिखाई दे रहा है लेकिन हम लोग के यहाँ दिन है जिस कारण से उसका पिछला भाग दिखेगा रोशनी इधर नहीं आएगा, और जिधर से जिस तरफ जो है रात होगा वहाँ दिखाई देगा क्योंकि प्रकाश को परावर्तित करेगा तो दिखाई देगा, तो चांद हमेशा जैसे पृथ्वी पर 24 घंटा प्रकाश पड़ रहा है लेकिन क्या है कि हमारे पृथ्वी भी सूरज का चक्कर लगा रहा है गोलाकार आकृति में है, तो सूरज के जिस तरफ भाग पर रहते हैं दिखाई देता है पिछला वाला भाग नहीं दिखाई देता है, तो पिछला वाला भाग में भी रात होगा हम लोग के यहाँ क्या है दिन है, उसी प्रकार से चांद पर भी होता है, तो चांद पर भी जो प्रकाश जो होता है जब उस पर पड़ता है सूर्य का तो उतना ही भाग को वह रिफ्लेक्ट कर पाता है जितना भाग पर प्रकाश पड़ा, और प्रकाश पड़ना बंद तो दिखना बंद, लेकिन तारा के पास तो अपना प्रकाश होता है इसलिए वह हमेशा दिखाई देता है, तो तारा के हिसाब से उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जितना पड़ता है वही भाग रिफ्लेक्ट होकर हम लोग की तरफ दिखाई देता है, और उसका हम कितना अधिकतर भाग देख पाएंगे तो 59%, इससे ज़्यादा 100% चंद्रमा को देखेंगे नहीं, लेकिन क्या होता है जैसे यह चंद्रमा कहते हैं पूरा चांद है, पूरा चांद अगर गेंद को देखिएगा एक तरफ आधा भाग को ही ना देखेंगे पिछला भाग दिखाएगा लेकिन गोल तो दिख जाता है, गोले ना आकृति दिख जाता है, तो ऐसे हम लोग ग्राफ गोल बना देते हैं
लेकिन यह पूरा चांद वास्तव में नहीं है, लेकिन गोलाकार आकृति ले लेता है, यह मैक्सिमम साइज कहलाता है, जिस कारण से हम लोग कहते हैं कि पूरा चांद पूर्णिमा को, जबकि दूसरे भाग पर अंधेरा है, दूसरे देश में जहाँ से वह दिखाई देगा वहाँ वह अंधेरा ही है, तो पूरा चांद कभी भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर वायुमंडल नहीं होते और धूलकण भी नहीं होता है। वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है, इस पर उल्कापिंड गिरता है और क्रेटर बनाता है। वायुमंडल के साथ धूलकण रहेगा तो भी ये प्रकाश का रिफ्लेक्शन करेगा, और रिफ्लेक्शन नहीं होने के कारण चांद पर से अंतरिक्ष को देखने पर क्या होगा, प्रकाश ही नहीं मिलेगा। हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, जब उससे प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँख पर आता है तभी ना देख पाते हैं, तो वहाँ से रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ से अंतरिक्ष को अगर देखा जाए तो काला दिखाई देता है। जहाँ प्रकाश नहीं होगा तो वो काला होगा, रात में क्या होता है, जहाँ प्रकाश नहीं होता तो काला ही नहीं दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष से भी, अंतरिक्ष देखने पर चंद्रमा पर से काला दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा जो है प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है, चंद्रमा प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 384,400 किलोमीटर है। जैसे यहाँ से पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना, 15 करोड़ किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, उसी प्रकार से चंद्रमा जो है पृथ्वी के नज़दीक है, कितना किलोमीटर है, 384,400, राउंड फिगर में 384,000 भी कहीं लिखा हुआ तो भी सही है, ठीक है, 384,000 भी लिखा हुआ तो भी सही है, 384,400 लिखा हुआ है वो भी ठीक है। तो ये चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है, और आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर चल जाता है, तो ये कितना दूर होता है, 384,000, तो एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर, बचा 84,000, तो थोड़ा और अधिक समय लगता है, इसलिए चंद्रमा पर का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 1.3 सेकेंड का समय लगता है, इतना क्लियर। अब मून के प्रकार को देखेंगे कि मून अलग अलग कितने प्रकार का होता है। सूरज की स्थिति नहीं बदलती है, क्योंकि हम लोग सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, तो सूरज अपने जगह पर फिक्स होगा। देखिए ये हमारी पृथ्वी और ये घूम रहा है हमारा चांद, क्या घूम रहा है, चांद, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और ये चारों तरफ घूम रहा है चंद्रमा, और सूरज यहाँ है, सूरज कहाँ है, यहाँ, ये सन, क्योंकि इसका चक्कर लगा रहे हैं तो सूरज की स्थिति नहीं बदलेगा, हम लोग ना अपना स्थिति बदलें, जैसे हम यहाँ खड़ा है, हमारा चारों चक्कर लगाएगा तो हम तो रुके रहेंगे, जो चक्कर लगाएगा उसी की स्थिति बदलेगा, तो चक्कर पृथ्वी लगा रही है, चंद्रमा लगा रहा है, स्थिति बदलेगा उसका। अब देखो सूरज का प्रकाश जो है, अगर चंद्रमा यहाँ आ जाए, चंद्रमा यहाँ आ जाए, तो सूरज का प्रकाश जो पड़ेगा तो किस भाग पर पड़ेगा, इसी भाग पर ना, नीचे आके पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो प्रकाश परावर्तित किधर की तरफ करेगा, ऊपर की तरफ, और हमारी पृथ्वी यहाँ है, हम लोग पृथ्वी ये प्रश्न देखेंगे तो हमारा ई भाग क्या दिखाई देगा, ये रोशनी हो जाएगा, उजला हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश जिस भाग पे पड़ेगा उतना ही परावर्तित करेगा, तो परावर्तित किस भाग को कर रहा है, ऊपर वाला भाग को, तो पीछे नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, और हम पृथ्वी पर से यहाँ से देखेंगे तो हमको चांद कैसा दिखाई देगा, काला रहेगा तो दिखबे नहीं करेगा, काला रहेगा तो दिखेगा, इसी को कहते हैं अमावस, क्या कहते हैं, अमस्या या अमावस, क्या कहते हैं, अमस्या या, सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ रहा है लेकिन वह भाग जो हमारे तरफ से दिखाई देना चाहिए था उस पर पड़ ही नहीं रहा, तो वह काला दिखेगा, और जब काला, क्योंकि अपना प्रकाश तो है ना जो किधरों से रिफ्लेक्ट कर देगा, तो काला दिखेगा, और जब काला है तो दिखाई नहीं दे रहा है पूरा, जब नाक के सीधा में तीनों रहेगा तो प्रकाश नहीं दिख पड़ेगा उस पर हम लोग की तरफ से, और नहीं पड़ेगा तो वह काला दिखाई देगा, तो उसको क्या कहते हैं। अब देखिए, अब यह घूमते हुए बढ़ रहा है, मान लीजिए यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, दो दिन चार दिन होगा तो बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा, अब सूरज का पर, सूरज की स्थिति तो बदलेगा नहीं, सूरज तो अपने जगह पर है, अब इसका प्रकाश ऐसे पड़ेगा तो क्या होगा, इस भाग को वह प्रकाशित करेगा, नहीं करेगा, करेगा ना, तो हम यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा ही ना दिखाई देगा, उधर से पड़ रहा है, इसी प्रकार से और थोड़ा बढ़ेंगे तो थोड़ा और अधिक भाग को पर, आधे पर प्रकाश पड़ेगा हमेशा, लेकिन यहाँ से हम देखेंगे तो थोड़ा ही, इसलिए चंद देखिएगा हंसुआ की तरह कटा हुआ चांद दिखाई देता है, चांद पूरे है
प्रकाश आधा भाग पे पड़ रहा है, लेकिन हम जहाँ से देख रहे हैं उसमें से ऐसा ही नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से यहाँ आएगा, इसी प्रकार से बढ़ते थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। चांद का साइज भी देखिएगा धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, और बढ़ते 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 थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, और यहाँ आएगा तो सीधा सीधा हो गया, तो इस पूरे भाग पे प्रकाश पड़ेगा, नहीं पूरे भाग पे प्रकाश पड़ेगा, तो ये पूरा भाग क्या हो जाएगा, उजला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा उजला, तब हमको पूरा चांद दिखाई देने लगेगा। आधे में से पूरा क्या कहे थे, ऐसा गोल आकृति ले लेगा, नहीं ले लेगा गोल आकृति, तो पूरा दिखाई देने लगेगा। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, पूर्णिमा, ठीक है। जब अमावस्या होगा तो न्यू मून कहेंगे, और जब पूर्णिमा होगा तो फुल मून कहेंगे। बात समझे? चांद देखिएगा, एक समय होगा जब पूर्णिमा जब होगा तो उसके बाद जो चांद होता है, पूर्णिमा जब होता है तो उसमें देखिएगा कि अगला दिन एक घंटा बाद दिखाई देगा, दूसरा दिन दो घंटा बाद दिखाई देगा, तीसरा दिन तीन घंटा, ऐसे बढ़ते जाता है ना, नहीं बढ़ते जाता है। आ जब उसका अपोजिट अमावस्या की तरफ चलता है तो सुबह से दिखाई देता है, सुबह में फिर दो घंटा बढ़ेगा, रात में फिर बढ़ते जाएगा, और जब क्या हो जाता है, सामे को पूरा दिखाई देने लगता है तो पूर्णिमा हो जाता है। तो यहाँ वही स्थिति उत्पन्न होते आया हुआ आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ थोड़ा आगे आएगा तो हमारी तरफ से जो प्रकाश जो पड़ेगा तो फिर यह क्या होगा, कटने लगेगा, क्या होगा, कटने लगा, थोड़ा थोड़ा कटते जाएगा, कटते जाएगा, कटते जाएगा, थोड़ा थोड़ा कटते जाएगा, और यहाँ लास्ट में आते आते क्या होगा, हमको दिखाई ही नहीं देगा हमको, क्योंकि यहाँ प्रकाश ऊपरी वाला भाग में पड़ने लगेगा तो उधर ही रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, तो यहाँ तक थोड़ा दिखाई देगा। यह अंतराल कितने दिन का होता है, 14 दिन इधर और 14 दिन इधर, कितने दिन का, 14 दिन इधर 14 दिन, साढ़े 14 भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा समय बढ़ता है तो साढ़े 14 भी होता है, लेकिन एवरेज माना जाता है 14 दिन का। इसलिए हिंदू का जो कैलेंडर होता है, हिंदू का जो कैलेंडर होता है वह कितने दिन का होता है, 28 दिन का कैलेंडर होता है। मले मास सुना है तुम लोग, हिंदू लोग थोड़ा तेज होते हैं, मुसलमान से थोड़ा ज़्यादा तेज होते हैं। मुसलमान को भी एगो हिजरी कैलेंडर होता है, हिजरी, हिजरी कैलेंडर कहते हैं उसको, हम लोग तो इंग्लिश कैलेंडर 30-31 दिन वाला होता है। तो इंग्लिश कैलेंडर में एक फरवरी 28 का और बाकी महीना 30 या कितना दिन का होता है, इसलिए मले मास का मतलब होता है प्रत्येक महीना में 28 या 29 दिन का होता है पूर्णिमा चांद के हिसाब से, तो तीन साल होते होते वह पहुंच जाता है 30 दिन पर। देखिएगा मले मास लगा के 28 दिन का पहुंच जाता है, देखो महीने बढ़ा दिया जाता है मले मास लग के। लेकिन हिजरी कैलेंडर में क्या होगा, वो भी 28 दिन का होता है, चंद्रमे पर वो भी निर्भर करता है, चांद को मानता है 28 28। तो इस साल उसका अगर कोई पर्व मान लीजिए 10 जनवरी को हुआ तो अगले साल उसका पर्व हो जाएगा 1 जनवरी को, और फिर उसका अगला साल हो जाएगा 20 फरवरी को, और ये 20 दिसंबर को, घटते जाता है। हम लोग का ऐसा नहीं होता है, एक महीना में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, कि तीन साल पर हम लोग क्या करते हैं, एक महीना को जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए 30 मार्च को होली हुआ, देखिए कैलेंडर जो बनाया जाता है वो यही दिमाग लगाया जाता है, 30 मार्च को इस बार होली हुआ तो अगला साल प्रत्येक साल पर 10-11 दिन घटता है, तो अगला साल 20 मार्च के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब कैलेंडर उल्टा के देखिएगा, फिर उसका अगला साल जाएंगे तो 1-2 मार्च के आसपास आ जाएगा, तीन साल हो गया, एक मले मास जोड़ दिए, फिर चौथा साल आएगा तो फिर 30 मार्च आ जाएगा। एक एवरेज डेट बताए, आगे पीछे जोड़ के इतना ही 10-11 दिन का अंतर होगा, लेकिन हिजरी कैलेंडर में सालों भाग जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि वह इस प्रकार से दिमाग लगाया हुआ नहीं है। लेकिन मानक हम लोग का 28, 30 और 31 दिन वाला ही होता है जो इंग्लिश कैलेंडर होता है, और इसमें 28 दिन, क्योंकि चंद्रमा जो होता है 14 दिन अमावस्या, 14 दिन पूर्णिमा वाला भाग में, जिसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। जब पूर्णिमा की तरफ बढ़ेगा तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, अमावस्या की तरफ बढ़ेगा तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। कृष्ण जी कैसे थे? कृष्ण जी कहते थे काला थे, तो काला तरफ बढ़ रहा है तो कृष्ण पक्ष, याद रखने के लिए। देखिए हमारा जो मैथोलॉजी है, धर्मशास्त्र है, उससे विज्ञान जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय पुराने लोग बहुत विद्वान थे। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इसी के लिए जुड़ा हुआ, याद रखने के लिए। कृष्ण भगवान कैसे थे? कृष्ण विवर पर रहते ना ब्लैक होल, उसी लिए। तो कृष्ण पक्ष जो है काला की तरफ बढ़ेगा, अब यहाँ बढ़ के कहाँ आएंगे? अमावस्या पर आएंगे, ये कृष्ण पक्ष। यहाँ बढ़ के कहाँ पर आएंगे? पूर्णिमा पर आएंगे, तो शुक्ल पक्ष। क्या होगा? शुक्ल पक्ष होगा। ये बात समझ में आया?
कि चांद जो है छोटा बड़ा क्यों दिखाई देता है, उस पर प्रकाश पड़ता है, लेकिन हम तो पृथ्वी से न देख रहे हैं, अब पृथ्वी से जो भाग दिखाई देता है उतना ही नहीं चमकता हुआ दिखेगा, और जो भाग नहीं दिखाई देता है अर्थात जिस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा वह काला है, वो दिखबे नहीं कर रहा है। चांद पूरे है तो पूरे, लेकिन जो भाग पर प्रकाश नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो वह काला दिख रहा है। इसलिए देखिएगा चांद जो है उल्टा कटते हुए इधर से कट रहा है तो इधर से कटते हुए जाएगा, ऐसे कटते हुए जाएगा, ऐसे कटते हुए जाएगा, ये उल्टा हम काट दिए, ऐसे कटते हुए, ऐसे कटते हुए, ऐसे कटते हुए बढ़ेगा। सुबह वाला चांद देखिएगा तो उसका अपोजिट रहेगा शाम वाला चांद, सुबह वाला चांद जो देखिएगा ना उसका अपोजिट रहेगा शाम वाला शाम, ऐसे चांद की तरह ऐसे रहेगा, सुबह में देखिएगा तो ऊपर की तरह रहेगा, जब सुबह में पहला दिन दिखाएगा तो ऊपर से कटा हुआ दिखेगा, यही कारण है कि उसका घूर्ण। तो अब देखिए इसमें अमावस्या पूर्णिमा जो हुआ तो ग्रहण कैसे लगता है, जब ऐसे घूमिए जाता है तो दोनों के बीच में तो आइए रहा है, सूरज के बीच में चंद्रमा आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा, और यहाँ से पृथ्वी, अब यहाँ से चंद्रमा यहाँ आ गया तो सूरज के बीच में पृथ्वी आ गया, तो ग्रहण क्यों नहीं लगा? ग्रहण कब लगता है? देखिए चांद यहाँ है और पृथ्वी यहाँ है, दोनों घूर्णन कर रहा है, 5 डिग्री दोनों डिफरेंट है, 5 डिग्री डिफरेंट है, 5 डिग्री नीचे आता है फिर बढ़ते हुए 5 डिग्री ऊपर आ जाता है, तो जब बढ़ेगा पृथ्वी यहाँ है और 5 डिग्री का अंतर है तो 5 डिग्री नीचे आता है फिर 5 डिग्री क्या होता है, तो जब ऊपर जाएगा तो एक बार तो सामने सामने आ जाएगा, तो जब एक बार सामने सामने आता है तो वही ग्रहण लगता है और कुछ नहीं, सब दिन ग्रहण नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कहिएगा तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तो बीच में आ रहा है ना, तो ग्रहण नहीं लगे। 5 डिग्री वाला जो घटना है, जब 5 डिग्री नीचे आया और फिर बढ़ते हुए 5 डिग्री ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो बीच में एक समय आएगा कि सामने सामने आ जाएगा, जब सामने सामने आता है तो उसी में चंद्र ग्रहण लगता है और सूर्य ग्रहण लगता है। ये बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? तो देखिए ये हो गया, जब अमावस्या होता है तो कौन सा मून कहते हैं? न्यू मून कहते हैं। आज जब पूर्णिमा होता है तो कौन सा मून कहते हैं? फुल मून कहते हैं। कौन सा मून कहते हैं? ये चंद्रमा से अमावस्या से पूर्णिमा आने में कितना दिन का वक्त लगता है? 28 या 29 पूरा जोड़ेंगे तो 28 या 29 दिन का वक्त लगेगा। अब देखो इंग्लिश कैलेंडर में कोई कोई महीना क्या होता है 31 दिन का भी होता है, जैसे अगस्त, अगर पूर्णिमा किसी महीना में, पूर्णिमा किसी महीना में 1 तारीख या 2 तारीख को हो गया, 2 अगस्त को हो गया, कितना अगस्त को हो गया? 1 हो जाए, 2 अगस्त हो जाए, तो इसमें 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 30 अगस्त होगा, तो महीना तो वही रह गया, 1 दिखा 2 अगस्त को, 28 दिन बाद दिखेगा, 28 2 30 अगस्त हो गया, 1 महीना हो गया, तो पहला जो दिखेगा उसे फुल मून कहेंगे और दूसरा जो दिखेगा उसे ब्लू मून कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लू मून लिखा था ना, ब्लू मून कहेंगे। कोई दिक्कत किन्हीं को? कोई समझने में? अब एक समझने में दिक्कत है क्या, सुपर मून किसे कहेंगे? और बाकी सब तो पढ़ा दिए, अमावस्या पूर्णिमा हो गया, ब्लू मून हो गया, ग्रहण पढ़ाना है। सुपर मून किसे कहते हैं? सुपर मून उसे कहते हैं जब ये एंगल बनते हुए चंद्रमा कितना प्रतिशत हमको दिख जाए, मैक्सिमम भाग कितना प्रतिशत? 59%। कितना प्रतिशत दिख जाए? इससे ज़्यादा कभी पृथ्वी पर से कहीं से नहीं दिखेगा। 59% जिस दिन दिखता है उसी को कहते हैं सुपर मून। क्या कहते हैं? अर्थात पृथ्वी पर से चंद्रमा जब अधिकतम रूप में दिखाई देता है तो उस दिन पूर्णिमा ही होगा, अधिकतम रूप में दिखाई देता है तो उसे कहते हैं सुपर मून, ऐसे कहेंगे फुल मून। और जब अधिकतम रूप में दिखाई देगा तो क्या कहेंगे? एक ही महीना में दोबारा पूर्णिमा आ गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? ब्लू मून, और पहला फुल मून। कोई दिक्कत? न्यू मून किसे कहेंगे? जिस दिन अमावस्या रहेगा, जिस दिन अमावस्या रहेगा उस दिन क्या होगा? समझने में कोई दिक्कत? क्लियर इतना? अब हमको देखना है क्या चीज? ग्रहण। और कोई सवाल है मन में किसी के? क्या बचा हुआ है? तापमान। अभी बताए नहीं, वहाँ वायुमंडल है ही नहीं जिस कारण से सूर्य का रोशनी पड़ता है तो दिन में अधिक गर्मी हो जाता है। क्या ये तो ये बताए नहीं, तुम लोग सुन भी नहीं क्या था। दिन में जब अधिक तापमान रहता है 100 डिग्री सी, रात होता है तो ठंडा हो जाता है,
-80 में चला जाता है, वहाँ पर वायुमंडल है नहीं, अधिक ठंडा हो जाता है। इतना समझने में कोई दिक्कत की नहीं को? अब हमको क्या देखना है? ग्रहण। देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पर सूरज है, यहाँ से सूरज को हटाते हैं, सूर्य यहाँ पर है, कहाँ पर है? यहाँ पर सूर्य है, सूरज यहाँ पर है और पृथ्वी यहाँ पर है। अब पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रही है। अगर चंद्रमा एक रेखा में यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर रहे, यहाँ पर रहे, तो पृथ्वी पर से हम चंद्रमा को देखेंगे, पृथ्वी का आकार बड़ा, चंद्रमा का आकार छोटा, प्रकाश आया, बीच में पृथ्वी रोक लिया, क्या किया? रोक लिया। जब रोक लिया तो चांद पर प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा। आ जब नहीं जाएगा तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ये बहुत देर के लिए घटना नहीं होगा, दिन दो दिन के लिए नहीं होगा, 5 डिग्री का जब मिलान होता बताए थे ना, उसी समय तो चांद दिखाई देगा। तो वही है, चांद और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो कौन ग्रहण लगेगा? चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण लगेगा? जैसे हम यहाँ खड़ा हैं और देख रहे हैं अभिलाषा को, अब बीच में पूजा आ जाए तो अभिलाषा पर ग्रहण नहीं लग गया, दिखाई नहीं देगी, हुआ अब छुप गया ना, हम किसी को देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं और उसके बीच में कुछ ट्रक आ जाए, जीप आ जाए, तो जो चीज़ नहीं दिखाई देगा वही ग्रहण होगी, जो चीज़ नहीं दिखाई देगा। अब यही चांद घूमते घूमते क्या होगा, चक्कर तो पृथ्वी का लगाएगा, अब यहाँ चला आया, कहाँ चला आया? हम देखना है पृथ्वी पर से, चांद पर से नहीं देखना, वहाँ कोई रहबे नहीं करता है, सूरजों पर से नहीं देखना है, पृथ्वी पर से देखना है। अब ये चांद घूमते घूमते यहाँ आ गया तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन घुस गया? हम किसको देख रहे थे? सूर्य को देख रहे थे, बाधा उत्पन्न कर दिया तो कौन नहीं दिखाई दिया? सूर्य। सूर्य नहीं दिखाई देगा? सूर्य जब दिखाई नहीं देगा तो कौन ग्रहण हो जाएगा? अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा। कौन सा ग्रहण होगा? अब देखो, सूर्य की तरफ आएगा तो प्रकाश इस भाग पर पड़ेगा, इस प्रकार का पड़ेगा, तो हम लोग की तरफ क्या रहेगा? अमावस्या रहेगा नहीं, इसलिए क्या कहे थे, सूर्य ग्रहण कब लगेगा? अमावस्या को लिखा है ना, सूर्य ग्रहण कब लगेगा? क्योंकि पूरा दिखना चाहिए था, इस समय हमको बिल्कुल नहीं दिखेगा क्योंकि इस तरफ आ गया। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? पूर्णिमा को। कब लगेगा? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा तो पूरा चांद दिखाई देगा, अब बीच में पृथ्वी आ गया, प्रकाश को थोड़ा देर के लिए रोक दिया, दिखना बंद हो गया, तो हो गया चंद्र ग्रहण। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? क्योंकि हम उसके पूरे भाग को नहीं देख पाते, जैसे आप हमको देख रहे हैं तो पूरा नहीं देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। अब हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? कि हम भी घूर्णन कर रहे हैं ऐसे ऐसे, मैंने पृथ्वी भी घूर्णन कर रही है और चंद्रमा भी घूर्णन कर रहा है। अब यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा है, दोनों घूर्णन कर रहा है। इधर आओ, एक बोल, तुम आओ, लंबा हमसे ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, अरे हमारे साइज का आओ ना कोई, तुम ही आओ, हिमांशु आओ, इधर आओ, दोनों दिख रहे हैं, हम दोनों दिख रहे हैं, और जगह गड़बड़ हो गई, अब दिख रहे हैं दोनों, अब तुम भी घूमो, हम भी घूम, ऐसे तुम क्लॉक वाइज तुम भी घूमो, ऐसे घूमना ठीक है, हम भी घूमो, घूमते जाओ। कब दिखे? मुझे नहीं दिखा, इसका हम पिट्ठी देखे, तुम हमारा पिट्ठी देखा, फिर एक बार घूमो, पिट्ठी देखा मेरा, गति दोनों का बराबर है, ना हम ना इसका पीठ देख पाएंगे ना ये हमारा देख पाएगा, क्योंकि दोनों घूर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ भी वही बात है, चांद भी घूम रहा है और पृथ्वी भी घूम रहा है, तो हमको इसका मुँह दिखाई देगा, जब ये घूमते जाएगा, ये घूमते जाएगा, हम भी घूमते जाएंगे, ये घूमते जाएगा, हम भी घूमते जाएंगे, घूम रहे हैं, इसका मुँह नहीं दिखाई देगा। अर्थात जिस तरफ से जो देश है, जाओ, जिस तरफ से जो देश है उसको वही भाग सब दिन दिखाई देता है, वही भाग। तो जिस देश इसका मुंह के तरफ हम है, पीठ के तरफ जो रहेगा तो पीठे वाला भाग, तो चंद्रमा में तो पीठ मुंह होता नहीं है, तो जो भाग देख रहे हैं वही दिखाई देता है, पूरा भाग चंद्रमा का आप पृथ्वी के एक जगह से नहीं देख सकते। हाँ, अमेरिका चल जाएंगे तो दूसरे भाग को देखेंगे, लेकिन पता नहीं लगेगा, सब तरफ से उजले रोशनी होगा, पता नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे भाग को देखा जा सकता है।
क्योंकि चंद्रमा का पूरा भाग कहीं एक जगह से आप बराबर पूरा, हम जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम पीछे जाके खड़ा हो जाएंगे तो पीठ दिखाई देगा ना सबका, नहीं दिखाई देगा? पीछे से देखेंगे तो पीठ दिखाई देगा, कितने बाल है कि छोटा है, हिप्पी कट है कि किप्पी कट है, सब देख लेंगे, नहीं देख लेंगे? आगे से क्या देख रहे हैं? मुँह कान देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? तो आगे से जब देखेंगे, एक तरफ से देखेंगे तो किसी का हम पूरा भाग नहीं देख सकते। अब हम रोटेट होके चले गए, आप रुक जाइएगा तब, अने आप भी हम जैसे जैसे जा रहे हैं आप भी घूमते जाइएगा तो फिर मुँह दिखाई देगा, आप भी वैसे घूमते चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी चंद्रमा के हम सिर्फ एक ही भाग को देख पाते हैं, और खूब जिस दिन देखते हैं तो 59%, उससे ज़्यादा कभी दिखाई नहीं देगा। 59% जब देखते हैं तो उसको सुपर मून कहते हैं, और बिल्कुल नहीं देखते हैं तो न्यू मून कहते हैं। पूर्णिमा रहता है तो उसको फुल मून कहते हैं, एक के महीना में दो पूर्णिमा आ गया तो ब्लू मून कहते हैं। पृथ्वी से चांद की दूरी 384,400 किलोमीटर, प्रकाश आने में 1.3 सेकेंड। चंद्रमा के अध्ययन को सेरेनोलॉजी कहते हैं, चंद्रमा को क्या कहते हैं? रात की रानी कहते हैं, नहीं कहते हैं? यही सब बात है, कोई समझने में कोई दिक्कत तो बोलिए। गड्ढा जो होता है उसको क्रेटर कहते हैं, समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत कि नहीं? कोई प्रश्न? चांद छोटा बड़ा क्यों होता है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ, चांद कट के भाग नहीं रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, उसका जितना भाग पे प्रकाश पड़ रहा है उसके जितना भाग हम देख पाते हैं वही हमको दिखाई दे रहा है, क्लियर?